हेलो गाइस, ट्वेल्थ स्टूडेंट्स, बेटा अब हम लोगों ने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए 4 पैरामीटर्स काउंट किए बेटा। अब बच गया एफसीसी यूनिट सेल। ओके, तो एंजॉय एफसीसी। तो बेटा देखिए एफसीसी यूनिट सेल, दिस ये है बेटा एफसीसी यूनिट सेल। दिस एफसीसी यूनिट सेल। ओके गाइस, ध्यान दो बच्चों, घर में रिवाइज करो, और जिस पैटर्न में मैं नोट्स बना रहा हूँ यहाँ बोर्ड पे, उसी पैटर्न में आप भी नोट्स बनाइएगा बेटा। तो एफसीसी यूनिट सेल क्या होता है बेटा, जो एटम आयन या मॉलिक्यूल या स्फेयर है वो क्यूब के एंगल पे होंगे बेटा, क्यूब के कॉर्नर पे होंगे, और कॉर्नर के साथ साथ फाउंड एट द सेंटर ऑफ ईच फेसेस। हर फेस के क्या होंगे बेटा, सेंटर पे, अपर फेस, लोअर फेस, लेफ्ट साइड, राइट साइड। ये बेटा फ्रंट फेस, देखो ये वाली फ्रंट फेस का सेंटर लगभग ये आएगा। ये बैक फेस बेटा, बैक फेस का सेंटर लगभग ये आएगा। तो बेटा सभी फेस की एक ही जैसी कहानी है। कोई भी एक फेस को एक्सपोज कर दो, चलो चलो ये वाली फेस एक्सपोज किया बेटा मैंने, कोई भी एक फेस, कोई भी एक फेस को एक्सपोज कर दी, कोई भी फेस ले लीजिए आप, तो देखिएगा ओके बॉयस, इधर ध्यान दे बेटा, बॉयस गर्ल्स बोथ, कोई भी एक फेस को बेटा, ये एक फेस ले लिया मैंने। ओके गाइस, अब बेटा ये आपके एटम सब स्फेयर एक दूसरे के कांटेक्ट में, कांटेक्ट में बेटा। ओके गाइस, ठीक है, मैं आपको यहां कांटेक्ट में ना दिखा पा रहा हूं लेकिन टच में है। अरे सॉलिड है तो टच में ही होंगे भाई, ठीक है। तो बेटा ये डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग एटम, ये है बेटा डी, ठीक है। ये रेडियस ऑफ वन स्फेयर, ये है बेटा सब एज लेंथ ऑफ द क्यूब, तो डी इज इक्वल टू, यहां तो ए है बेटा, देखिए दिस ए। और बेटा देखो वन स्फेयर या वन एटम इस सेंटर में बेटा, ये भी एक सब एक दूसरे के टच में है। ओके गाइस, ए तो बेटा एक ट्रिंगल हम लोग यहां जनरेट करेंगे, एक ट्रिंगल जनरेट किया बेटा, देखो हम लोगों ने दिस ए बी सी, एक ट्रिंगल ऐसा जनरेट किया बेटा कि एंगल के साथ साथ ये एंगल के स्फेयर्स है, फेस के सेंटर को अटैच करते हुए, फेस के सेंटर को काउंट करते हुए बेटा हम लोगों ने एक एंगल जनरेट किया। ओके, वो ए वाला भी एंगल हो सकता है, वो ए वाला भी एंगल हो सकता है, तो कोई एक ट्रेंगल ले लो बेटा, ये भी एक ट्रेंगल है, ये भी एक ट्रेंगल है, तो कोई एक ट्रेंगल ले ले और पाइथागोरस लगा लेते हैं, ठीक है बेटा। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं भाई, ठीक। तो बेटा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो पहला पैरामीटर क्या काउंट करना है, पहला पैरामीटर क्या काउंट करना बेटा, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ स्फेयर एंड एज लेंथ ऑफ क्यूब। चलिए आप काउंट करना शुरू कर दीजिए उसी पैटर्न पे, एज लेंथ ऑफ क्यूब। ओके गाइस, तो बेटा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो देखिए बेटा ये रेडियस, ये सेंटर पॉइंट इस स्फीयर का, ये रेडियस, ये बेटा थ्री स्फीयर की, ये फोर रेडियस काउंट की हम लोगों ने, जो ए सी की वैल्यू होगी बेटा, तो फोर आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए बेटा ए बी इक्वल टू ए, बी सी इक्वल टू ऑल्सो ए, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके गाइस, ये हो गया बेटा टू ए स्क्वायर फोर आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देन फोर आर इज इक्वल टू रूट टू ए, देन आर इज इक्वल टू रूट टू ए बाय फोर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, चलिए बेटा काउंट कर लो, इंपॉर्टेंट कर दो इस फार्मूले को, वन मार्क क्वेश्चंस।
काउंट कर लीजिएगा। चलिए छाप लीजिए बेटा, पूरा टाइम है आपको, छाप लीजिएगा। अब क्या काउंट करना बेटा, सेकंड, सेकंड पॉइंट काउंट कर लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग एटम, डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग एटम, इसको काउंट कर ले बेटा। चलो तो डी इज इक्वल टू क्या बेटा, टू आर ऑलवेज, और आर की वैल्यू ये काउंट की बेटा हम लोगों ने, तो डी इज इक्वल टू जो डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग एटम है इसको हम लोग ए के टर्म में काउंट कर लेते हैं। तो डी इज इक्वल टू टू इंटू आर की वैल्यू क्या बेटा, रूट टू ए बाय फोर, तो ये क्या आ गया बेटा, रूट टू ए बाय टू, डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग एटम, काउंट काउंट बॉयस। चलिए सेकंड बार बोला, इंपॉर्टेंट कर दीजिए बेटा, हो गया। चलिए जल्दी, ओके गाइस, ठीक, क्लियर इज दैट, ओके। अब आगे चलते हैं बेटा, चलो मैं इसको वाइप कर दूं। छाप लिया आपने इत्मीनान से, तो बेटा आर इज इक्वल टू क्या काउंट की बेटा हम लोगों ने, रूट टू ए बाई फोर, ओके गाइस याद रखिए, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ स्पेयर एंड एज लेंथ ऑफ क्यूब, ए मीन्स द एज लेंथ ऑफ क्यूब, ओके गाइस। अब आगे बेटा, आगे चलते हैं, क्या काउंट करना है, अब वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फेयर। एक्चुअली बेटा हमको आप पैकिंग फ्रैक्शन काउंट करना है, पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला मालूम है ही आपको, यस आपको रिवाइज होना चाहिए, तुरंत आना चाहिए। पैकिंग फ्रैक्शन काउंट करना है बेटा आपको, वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। तो कौन सी क्यूबिक यूनिट सेल चल रही है बेटा, एफसीसी। हम लोग ये किसके लिए कर रहे हैं बेटा, एफसीसी यूनिट सेल के लिए ऑल फोर पैरामीटर्स काउंट कर रहे हैं, मालूम है ना आपको, एफसीसी यूनिट सेल के लिए ऑल फोर पैरामीटर्स काउंट कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फेयर, तो सबसे पहले निकालते हैं बेटा वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर, इस फार्मूले को काउंट करना है, पैकिंग फ्रैक्शन को हमें इंटू 100 बेटा परसेंटेज में काउंट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर इजिकल टू 4/3 पाई आर क्यू। अब इसको बेटा ए के टर्म में लिख देते हैं हम लोग, तो 4/3 पाई, ए की वैल्यू क्या है बेटा, रूट टू ए बाई फोर, का होल क्यू, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लीजिए इसको, आपको टाइम दे रहा हूं, चलिए बेटा। ठीक हो गया, क्या आया, चलिए बोलिए, ये कितना है बेटा, रूट टू पाई ए क्यू बाई 24, ये वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर है, ओके गाइस, दिस इज वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर। अब बेटा एफसीसी यूनिट सेल को हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ 10, अभी तो ये वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर काउंट किए, हाउ मेनी स्फेयर ऑफ 10, एफसीसी के लिए रैंक कितनी है बेटा, 4। तो अब क्या काउंट करना है, टोटल नंबर ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फेयर काउंट कर लीजिए बेटा जल्दी। तो बेटा एफसीसी के लिए जेड का वैल्यू कितना है बेटा, जेड इज इक्वल टू 4, तो ये वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर, लेकिन एफसीसी को टोटल स्फेयर कितने मिलते हैं, 4, तो 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए यहां, ये 4 मल्टीप्लाई हो गया बेटा, ठीक है। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फीयर क्या आया बेटा, रूट टू पाई ए क्यू बाई 6, ये फार्मूले को इंपॉर्टेंट कर दीजिए, चलिएगा।
फार्मूला इंपॉर्टेंट, वन मार्क क्वेश्चन गाइस। चलिए हट गया मैं, बना लीजिए नोट्स। एक स्टूडेंट आया था सर आप बोर्ड के सामने बीच में खड़े जाते तो फिर नोट्स कैसे बनाएंगे, तो चलिए मैं पूरा टाइम दे रहा हूँ बेटा, नोट्स बना लीजिएगा। तो ये बेटा वॉल्यूम ऑफ टोटल स्पेयर, फोर को मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि एफसीसी के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑप्टेन स्पेयर कितने बेटा, फोर। ठीक है, यह है बेटा वॉल्यूम ऑफ वन स्पेयर, फोर को मल्टीप्लाई किए तो वॉल्यूम ऑफ टोटल स्पेयर, जल्दी काउंट कर ले। चलिए छाप लो बेटा, जो वीडियो देखते हैं आप तो उस समय पॉज कर लिया करो, उस समय स्क्रीन शॉट ले लिया करो, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट। YouTube पे देने का यही तो मजा है बेटा, यही फायदा है कि आप वीडियो को रोक के अपना नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो अब क्या काउंट करना है बेटा, पैकिंग फ्रैक्शन। तो चलिए पैकिंग फ्रैक्शन काउंट कर लेते हैं, मैं वाइप कर रहा हूँ इसको। तो वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फीयर कितना काउंट करें बेटा, रूट टू पाई ए क्यू बाय सिक्स इंटू हंड्रेड। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक कोई भी यूनिट सेल हो बेटा, चाहे एफ सी सी हो चाहे बी सी सी हो, ए क्यू, तो ए क्यू से ए क्यू कैंसिल करो, रूट टू पाई की वैल्यू क्या बेटा, ट्वेंटी टू बाय सेवन इंटू सिक्स ये इंटू हंड्रेड। ओके गाइस, तो बेटा आप जब सॉल्व करेंगे तो 74% आपको मिलेगा बेटा पैकिंग फ्रैक्शन। तो देखिए सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन 52.4%, बीसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन 68% और एफसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन बेटा, एफसीसी का जो पैकिंग फ्रैक्शन है, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफसीसी 74% मीन्स बेटा ज़्यादा इफिशियंट पैकिंग है इसमें, किसमें, एफसीसी में, ज़्यादा क्लोज पैकिंग है एफसीसी में एटम आयन या मॉलिक्यूलर स्फीयर की। काउंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया। अब बेटा ये तीनों यूनिट सेल के लिए हम लोगों ने जो पैरामीटर्स काउंट किए उनकी एक बार समरी कर लेते हैं, वो समरी, वो चार्ट आप याद रखेंगे हमेशा के लिए। ओके गाइस, और अपने स्टडी रूम में उसको ऐसे चार्ट बना के वॉल पे फिक्स कर दीजिएगा ताकि हमेशा दिमाग में रहे। ओके, और आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फुल टाइम मिल रहा है आपको, कोई हड़बड़ी जरूरत नहीं बेटा, हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, तो वाइप कर दूं, चलिए ठीक है। अब बेटा एक समरी चार्ट बना दे रहा हूं मैं, उस पर ध्यान देंगे आप, एक समरी चार्ट ले लो बेटा। चलिए ठीक, तो बेटा टाइप ऑफ यूनिट सेल, रैंक, रैंक मीन्स जेड की वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टेन एटम, रैंक। ओके गाइस, रिलेशन बिटवीन आर एंड ए, रेडियस ऑफ स्फीयर एंड एज लेंथ ऑफ क्यूब, डिस्टेंस बिटवीन टोटल नेबरिंग एटम, डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम। ओके गाइस, वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फीयर एंड पैकिंग फ्रैक्शन। तो बेटा ये समरी चार्ट बना लेते हैं, तो टाइप ऑफ यूनिट सेल कौन सी बेटा, सिंपल क्यूबिक। रैंक कितना है बेटा, वन, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टेन एटम वन है, जेड की वैल्यू, रैंक मीन्स जेड वैल्यू, रिलेशन बिटवीन आर एंड एस, आर ए के रिलेशन क्या है बेटा, आर इज इक्वल टू ए बाय टू। ओके गाइस, डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग एटम, यहाँ डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग एटम काउंट करेंगे बेटा तो क्या डी इज इक्वल टू ए या डी इज इक्वल टू टू आर, सब हम लोगों ने प्रूव कर चुके हैं। ठीक है गाइस, वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फीयर क्या बेटा, पाई इजिकल टू पाई ए क्यू बाई सिक्स एंड पैकिंग फ्रैक्शन क्या बेटा, 52.4%। तो देखिए बेटा एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए रैंक याद रखना, रिलेशन बिटवीन आर एंड ए, डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग एटम, वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फीयर पाई ए क्यू बाई सिक्स एंड पैकिंग फ्रैक्शन 52.4%, सभी हम लोगों ने काउंट कर चुके हैं। तो ये समरी याद रखना बेटा, दे आर द वन मार्क क्वेश्चंस। अब बेटा काउंट करेंगे किसके लिए,
बीसीसी के लिए बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो रैंक क्या, जेड की वैल्यू कितने बेटा, 2। ओके गाइस, आर रिलेशन बिटवीन आर एंड ए, तो रूट 2 ए बाय 4, डिस्टेंस रूट 2 ए बाय 2, डिस्टेंस बिटवीन एवरी एटम, और वॉल्यूम ऑफ टोटल स्पेयर बेटा, यस वॉल्यूम ऑफ टोटल स्पेयर, ओ सॉरी बीसीसी के लिए रूट 3a/4, रूट 3a/4 याद रखो, काउंट कर चुके बेटा, रूट 3a/4, रूट 3a/4, रूट 3a/2, ठीक है ध्यान देना बेटा। वॉल्यूम ऑफ टोटल स्पेयर रूट 3πa³/8, काउंट कर लिया वॉल्यूम ऑफ टोटल स्पेयर, और बेटा पैकिंग फ्रैक्शन 68%। चलिए ये समरी बना लीजिए बेटा, समरी चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बेटा किसी भी प्रॉपर्टी से 1 मार्क का क्वेश्चन आपको एमसीक्यूस में आ सकता है या प्रूव करने आ सकता है, तो प्रूव भी कर चुके हम लोग, ठीक है। अब बेटा एफसीसी के लिए करते हैं, एफसीसी के लिए बेटा रैंक या जेड की वैल्यू 4, आर एंड ए में रिलेशन बेटा रूट 2a/4, डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम डीजिकल टू रूट 2a/2, ओके गाइस, वॉल्यूम ऑफ टोटल स्पेयर, यस वॉल्यूम ऑफ टोटल स्पेयर बेटा रूट 2πa³/6, जस्ट अभी काउंट किया हम लोगों ने, एंड पैकिंग फ्रैक्शन क्या बेटा 74%। चलिए ये समरी चार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट छाप लीजिएगा, चलिए बेटा बना लीजिए। तुम्हें इनमें से कोई भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन आपका हो सकता है, ठीक है। तो बेटा आप देख रहे हैं कि सबसे इफिशियंट पैकिंग किस में होती है बेटा, एफसीसी में इफिशियंट पैकिंग है 74%। ओके गाइस ठीक, चलिए ओके चलिए वाइप कर लेते भाई, चलिए ठीक, पढ़ाई करना है बेटा घर में, इत्मीनान से नोट्स बनाइए। अब बात करेंगे बेटा हम लोग डेंसिटी ऑफ, अगला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेंसिटी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, चाहे वो सिंपल क्यूबिक हो, चाहे बीसीसी हो, चाहे एफसीसी हो, डेंसिटी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। अब डेंसिटी की बात कर रहे हैं बेटा, देखिए एक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर पूरे क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होता है, एक यूनिट सेल पूरे क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करती है, तो एक यूनिट सेल का डेंसिटी, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, एक यूनिट सेल का डेंसिटी पूरे क्रिस्टल के डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप पूरे इंटायर क्रिस्टल, अब आपको मालूम है बेटा कि न्यूमरस यूनिट सेल मिलकर एक क्रिस्टल लेटिस बनाते हैं, न्यूमरस क्रिस्टल लेटिस मिलकर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हैं। अगर आपको एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर चाहिए, तो एक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर आप ऑब्जर्व कर लो, उसी टाइप से आपको पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेंसिटी चाहिए, तो भाई एक यूनिट सेल का डेंसिटी फोकस कर लो। जो एक सिंगल यूनिट सेल का डेंसिटी होगा वही पूरे क्रिस्टल के, क्रिस्टलाइन सॉलिड के डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेटा पहला पॉइंट एक लिख लेना बेटा, डेंसिटी आप हेडिंग ऐसे डालना बेटा, डेंसिटी आप क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, ऐसी हेडिंग डालिएगा, और एक लाइन लिख दीजिए बेटा, डेंसिटी ऑफ वन यूनिट सेल रिप्रेजेंट डेंसिटी ऑफ इंटायर क्रिस्टल। ओके बाय इंटायर क्रिस्टल, इस लाइन को लिख लीजिए बेटा, पूरी कहानी क्लियर। ओके तो डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, बेटा 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है, क्यूबिक ही पढ़ना अपने को, क्यूबिक पर ही काम चल रहा है हमारा। ओके गाइस, और थोड़ा सा हेक्सागोनल पढ़ लेंगे साथ में, जिसकी यूनिट सेल के बारे में बता चुका हूं, ठीक। तो बेटा ये लाइन पहले याद रखिएगा आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट,
बहुत इम्पॉर्टेंट, चाहे न्यूमेरिकल हो या थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो या एमसीक्यूज हो, सभी में इसके क्वेश्चन आ चुके बेटा, एमपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में और ऑल इंडिया एग्जाम्स में, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी। ओके गाइस, ध्यान दे रहे बेटा। तो बेटा चलते हैं, डेंसिटी ऑफ वन यूनिट सेल रिप्रेजेंट द डेंसिटी ऑफ इंटायर क्रिस्टल, इंटायर क्यूबिक क्रिस्टल। तो बेटा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, अब बेटा डेंसिटी को डी से, स्मॉल डी से शो करते हैं बेटा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में काउंट करते हैं हम लोग डेंसिटी, पता है ना, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू, अब डेंसिटी का फार्मूला, किसी का भी डेंसिटी निकालना है यार, फार्मूला क्या, ठीक है बेटा, मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ वन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये बेटा डेंसिटी का बेसिक फार्मूला है, डेंसिटी को बेटा स्मॉल डी से शो कर रहे हैं, बेसिक फार्मूला बेटा डेंसिटी का। ओके गाइस, एंजॉय द मोमेंट, समझ में आ रहा बच्चे। तो मास ऑफ वन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, खटाक, डेंसिटी का फार्मूला पता ही है आपको यार बचपन से, ठीक है, अब तो पचपन के होते आ गए हो। तो बेटा मास ऑफ वन यूनिट सेल, अब यूनिट सेल किससे ऑर्गेनाइज होती है बेटा, एटम, आयन या मॉलिक्यूल, या जिसको स्फीयर बोलते हैं हम लोग, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। तो बेटा मास ऑफ वन यूनिट सेल मीन्स यूनिट सेल क्यूबिक है, और क्यूबिक यूनिट सेल ऑर्गेनाइज बाय, एसोसिएटेड बाय एटम्स। तो बेटा मास ऑफ वन यूनिट सेल मीन्स मास ऑफ टोटल एटम, मास ऑफ वन एटम, ऐसे बेटा ध्यान देना, मास ऑफ वन एटम इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑप्टेन एटम, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टेन एटम मीन्स वही बेटा रैंक, रैंक क्या होती है बेटा, क्योंकि इससे शो करते हैं जेड, मास ऑफ वन एटम इंटू जेड, जेड क्या है बेटा, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टेन एटम। जैसे बेटा ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है भाई, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टेन एटम फ्रॉम द कॉर्नर एक ही मिल रहा है बेटा, तो मास ऑफ वन एटम, और ये जेड क्या है बेटा, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टेन एटम, टोटल ऑप्टेन एटम। ओके गाइस, अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल बहुत सिंपल है। तो बेटा मास ऑफ वन यूनिट सेल मीन्स मास ऑफ वन एटम बाई यूनिट सेल को टोटल नंबर ऑफ ऑप्टेन एटम, मास ऑफ वन एटम इंटू टोटल ऑप्टेन एटम, टोटल ऑप्टेन एटम क्या है बेटा, जेड। सिंपल क्यूबिक की जेड की वैल्यू कितना है फिर, वन, बीसीसी के लिए टू, एफसीसी के लिए फोर। ओके गाइस, ठीक। तो बेटा हमको देखो, कोई पर्टिकुलर यूनिट सेल दिया है आपको, तो जेड की वैल्यू पता है, पता है वन टू फोर, बीसीसी के लिए टू, एफसीसी के लिए फोर, सिंपल क्यूबिक के लिए वन। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल ए क्यू, वो भी पता है आपको, ए क्यू होता है बेटा वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट सेल का। काउंट क्या करना है बेटा, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम काउंट करना है आपको। तो ये कैसे काउंट करेंगे, तो बेटा अभी फार्मूला यहां तक हमारा डेराइव हुआ है, हमको बेटा पहले काउंट करना है मास ऑफ वन एटम। अब पहले समझ लेना बेटा, जैसे सोडियम है तो पीरियोडिक टेबल में सोडियम पर 23 लिखा है, तो क्या है सोडियम के वन एटम का मास है क्या, ऑक्सीजन पे 16 लिखा है तो क्या है ऑक्सीजन के वन एटम का मास है क्या, कार्बन पे 12 लिखा है तो क्या है कार्बन के वन एटम का मास है क्या, नहीं, ऑक्सीजन पर 16 लिखा है तो जो 16 ग्राम है बेटा ये ऑक्सीजन के वन मोल एटम का मास है, वन एटम का नहीं है। कार्बन पे 12 लिखा है तो कार्बन के वन एटम का मास 12 नहीं है, वन मोल एटम का मास 12 है। सोडियम पे 23 लिखा है बेटा इसका मास, पीरियोडिक टेबल में जाएंगे एलिमेंट को चेक करेंगे आप
तो सोडियम जो 23 ग्राम है, सोडियम के वन एटम का मास नहीं है, ये वन मोल एटम का मास है। तो बेटा अब हमको काउंट करना है मास ऑफ वन एटम, पहले ध्यान दो, मास ऑफ वन एटम। बेटा चलो मास ऑफ वन एटम को मैं स्मॉल एम से शो कर रहा हूं बेटा, मास ऑफ वन एटम काउंट करना है मुझे, ये इस पैरामीटर को काउंट करना है, ये तो पता ही है आपको। ओके गाइस, 1 to 4 ये पता ही है आपको, ए क्यू। अपना फोकस अब किस पे, मास ऑफ वन एटम को काउंट करना। तो मास ऑफ वन एटम को स्मॉल एम से शो कर रहा हूं बेटा, बिकॉज मास ऑफ, चलो बेटा एक एटम से मैं, चलो मुझे कार्बन एटम, मास ऑफ वन कार्बन एटम काउंट करना है। चलिए चलिए ध्यान दो बेटा, मास ऑफ वन कार्बन एटम काउंट करना है। तो बिकॉज मास ऑफ वन मोल कार्बन एटम, ध्यान देना बेटा सीख लो, बिकॉज मास ऑफ वन मोल कार्बन एटम इज 12 ग्राम। मास ऑफ वन मोल कार्बन एटम क्या है बेटा, 12 ग्राम है। 12 ग्राम को कैपिटल एम से शो करता हूं मैं, ये वन मोल एटम का मास, मास ऑफ वन मोल कार्बन एटम इज 12 ग्राम। ओके गाइस, इन वन मोल, अब ध्यान देना बेटा इत्मीनान से आपको सीखना है, ये मेन पॉइंट है, मेन पैरामीटर है। इसको कैसे काउंट करेंगे, मास ऑफ वन कार्बन एटम काउंट करना है, बिकॉज मास ऑफ वन मोल कार्बन एटम इज 12 ग्राम। इन वन मोल किसी भी एटम के वन मोल में हाउ मेनी एटम, 6.023 × 10³ एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, इन वन मोल 6.023 × 10³ कार्बन एटम प्रेजेंट। देखो ध्यान दो, मेरा टारगेट क्या है बेटा, मास ऑफ वन कार्बन एटम मान लो मुझे काउंट करना है, तो कैसे काउंट होगा, बिकॉज मास ऑफ वन मोल कार्बन एटम इज 12 ग्राम एंड इन वन मोल 6.023 × 10³ कार्बन एटम प्रेजेंट, देयरफॉर, ठीक है बेटा, देयरफॉर मास ऑफ, बेटा ये जो ये वाली वैल्यू है इसको एन जीरो से शो करते हैं बेटा। एन जीरो क्या है बेटा, एवोगैड्रो नंबर, किसी भी एटम के या किसी भी मॉलिक्यूल के या किसी भी आयन के या किसी भी सब्सटेंस के वन मोल में हाउ मेनी एटम, 6.023 × 10³ इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है बेटा। देयरफॉर मास ऑफ वन कार्बन, इत्मीनान से बच्चे, एटम इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12 अपॉन 6.023, इसको क्या बेटा 6.023 × 10³ को मैं एन जीरो से शो करता हूँ, एन जीरो। ओके गाइस, और मास ऑफ वन मोल कार्बोनेट किससे शो किया बेटा, 12 क्या है बेटा, कैपिटल एम। तो बेटा याद रखिए, मास ऑफ वन एटम स्मॉल एम की वैल्यू क्या आ गई, ये पूरा छाप लो पहले, चलो छाप लो। तो ये काउंट किया बेटा मैंने, क्या ये एग्जांपल दिया आपको, क्या काउंट किया बेटा, मास ऑफ वन कार्बन एटम, कार्बन से एग्जांपल दिया। तो ठीक है बेटा, ये अपने समरी के लिए लिख लो, तो मास ऑफ वन एटम स्मॉल एम से शो करते हैं बेटा। चलो इस फार्मूले को आप इधर डिराइव कर रहा हूँ, ध्यान देना। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या बेटा, एम स्मॉल एम मीन्स क्या है, मास ऑफ वन कार्बन एटम स्मॉल एम से शो कर रहा हूँ बेटा इससे मैं। तो ये फार्मूले में आओ, डी इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम इंटू जेड, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट से क्या बेटा, ए क्यू। अब मुझे क्या काउंट करना है बेटा, एम की वैल्यू, मास ऑफ वन एटम। तो बिकॉज मास ऑफ वन एटम क्या मिला बेटा आपको, कैपिटल एम अपॉन एन जीरो। कैपिटल एम क्या है बेटा,
एटम का एटॉमिक वेट है, वन मोल एटम का एटॉमिक वेट है, तो एम की वैल्यू क्या बेटा, कैपिटल एम अपॉन एन जीरो इंटू जेड अपॉन ए क्यू। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला छोड़ना नहीं। तो ये डेराइव कर लिए बेटा क्या हम लोगों ने, ये कैसे डेराइव किया इसका एक एग्जांपल दिया हूँ, बाजू में लिख लीजिएगा बेटा। आप पहला ये फार्मूला होगा, सेकेंड आपका ये फार्मूला होगा, थर्ड आपका ये फार्मूला होगा, फोर्थ ये फार्मूला हो गया। वन फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। ओके गाइस, ध्यान दे बेटा, समझ में आया। अब ये कैसे निकालेंगे मास ऑफ वन कार, किस ट्रिक से निकालेंगे, क्या लॉजिक है, तो ये पता है आपको, जो किसी भी एटम का एटॉमिक मास बेटा पीरियाडिक टेबल में दिया है वो एक एटम का नहीं होता रे, वो वन मोल एटम का होता है। ओके गाइस, छाप लो बेटा। ठीक, तो बेटा हम लोगों ने आज डेंसिटी क्लियर कर लिए। डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, अब क्यूबिक क्रिस्टल में तीन टाइप की यूनिट सेल है, तो यूनिट सेल डिसाइड करेगी डेंसिटी को। तो वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल अपन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, अब बेटा सॉरी मास ऑफ वन यूनिट सेल, अब यूनिट सेल किससे मिलकर बनी है बेटा, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टेन एटम से, तो मास ऑफ वन एटम इंटू टोटल ऑप्टेन एटम को जेड से शो कर रहे हैं अपन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल मास ऑफ वन एटम को बेटा मैं स्मॉल एम शो कर रहा हूँ, टोटल ऑप्टेन एटम जेड है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल ए क्यू है। ठीक है, याद रखिए बेटा, ये वाला जो पोर्शन है आपको समझाने के लिए है कि कैसे आप मास किसी भी एटम के वन एटम का मास आप कैसे काउंट करेंगे। तो ये ट्रिक है बेटा, एन जीरो की वैल्यू क्या बेटा, एवोगैड्रो नंबर 6.023 × 10³। ओके गाइस, ठीक है, तो बेटा अपना सॉलिड स्टेट आज डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल पे इस लेक्चर को ख़त्म कर रहा हूँ। आगे बेटा इस फार्मूले से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे और कुछ अदर भी फार्मूले आप देखेंगे। ठीक है, इसके बाद बेटा हम लोग पैकिंग पढ़ेंगे और फिर क्रिस्टल के स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, अभी पैकिंग पढ़ना बाकी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है गाइस। ठीक है बेटा।